उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाली पदयात्रा। बताते चलेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर रविवार गांधी जयंती उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष प्रवेश कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी चौराहे महात्मा गांधी प्रतिमा से एक पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ कर्मचारी परिषद ने मांग की कि उत्तर प्रदेश शासन में 2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों शिक्षणोत्तर कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था का समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू की है। शिक्षक कर्मचारी समाज का स्वीकार नहीं है। इसको लेकर आज उन्होंने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पेंशन व्यवस्था के बहाली के समर्थन में शांति मार्च व बापू जी को धीरज उपाध्याय अर्पित। सहायक अध्यापक हूँ और मेरी भी यही मांग है कि जो सब जो जितने भी नेतागण हैं जो ले रहे हैं, जो एक बार नेता बन जाता है उसके लिए पुरानी पेंशन है और हम 30-30 साल नौकरी करके आएंगे और हमारे लिए नई पेंशन। अगर वो ये संसद भवन में या विधान परिषद में या विधानसभा में कहते हैं कि नई पेंशन पुरानी पेंशन से ज़्यादा फायदेमंद है, तो मेरी ये मांग है उन सभी नेताओं से कि वो भी उसको छोड़ के नई पेंशन लें, क्योंकि फ़ायदा कौन लेना नहीं चाहता है। पर रही आज के पैदल मार्च की बात, तो हम सिर्फ एक ही हमारा नारा होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित कृपावन सीताराम। यहाँ से डीएम कार्यालय तक हम लोग जाएंगे, वहीं पर हम लोग अपना ज्ञापन देंगे। सर, मेरा नाम सुमन है और ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद से मैं ब्लॉक अध्यक्ष। आज हमारी बस यही मांग है कि एनपीएस को हटा के ओपीएस लाए, जो सबके लिए वही हमारे लिए भी हो और बुढ़ापे का सहारा भी है और हमारा कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं कर रहा है कि सरकार के विरोध में, सरकार के पक्ष में, सरकार को संग में लेते हुए हमें अपनी मांग रखनी है और शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे और यही चाहेंगे कि सरकार हमारी बात को सुने और पुरानी पेंशन को लागू करे। सर, सर अभी यहाँ से निकलनी हमारी पदयात्रा शुरू होगी, डीएम ऑफिस तक निकालेंगे हम लोग। अभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोई भी हमें नारा या नारेबाजी या कुछ भी सरकार के विरोधी में कुछ नहीं करना है, उनको संघ में लेते हुए अपनी मांग को रखना है और बाकी देखते हैं उनकी क्या मंशा है हमारे ओपीएस को लेके। सर, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, मैं ब्लॉक आलमपुर से आया हूं और अध्यक्ष हूं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का आलमपुर ब्लॉक का। आज जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जा रही है जी, तो किस तरह से आप मना रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमने गांधी जयंती का सारा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने विद्यालय में किया है और उसके बाद में हमारी एक ही पेंशन है कि जो हमारे नए साथी हैं इनको पेंशन मिलना चाहिए, बिना पेंशन के जो है गुजारा नहीं है और सभी के लिए पेंशन मिले। एनपीएस जो है ये नहीं होना चाहिए। एनपीएस में ये है कि रिटायरमेंट के बाद किसी को 1500, किसी को 700, किसी को 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एनपीएस से गुजारा नहीं है। जब हमें वृद्धावस्था में बहुत ज़रूरत होगी उस समय हमारे इन साथियों पर पैसा नहीं होगा, इसलिए हम पेंशन की मांग करते हैं, पुरानी पेंशन दी जाए हमें। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आज पदयात्रा निकाली, क्या कर रहे हैं जी? केवल हमारी पदयात्रा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई नारा नहीं लगेगा, कोई भी और प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे गांधी जी ने अहिंसा के रूप में बिल्कुल मार्च किया था उसी तरह से हमारा ये मार्च है। और ये हमारे इसका आयोजन जो महिला संगठन है, महिला शिक्षक संघ है, उसके द्वारा किया जा रहा है। हमारा पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन और प्राथमिक शिक्षक संघ, इसमें सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। मुख्य रूप से ये कार्यक्रम महिला शिक्षक संगठन का है।